दादी बिल्कुल क्या जब कूटेंगे ना हम हाँ जी हाँ जी तब अच्छा अभी आप वो पीछे गए अच्छा 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 अभी यहाँ पे वो खुल में कूटोगे हाँ पेट कूटना भी हुआ हाँ 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 तब तक हाँ जी हाँ जी मम्मी हाँ हाँ दादी दादी दोस्तों मेरे फेवरेट चिमकी आ गए पूरे गांव में इन्हीं को ढूंढ रहा था मैं मिल गए नमस्ते दादी दादी खूब सही हाँ हाँ दादी खूब सही सब ठीक ठाक है पहचान ले अंकित छो में हाँ अंकित हाँ जी हाँ पहचान ले मैं अमन से दगा रही हूँ मेरे बाबा कुमार मम्मा हो ठीक ठाक हाँ दादी अच्छा दादाजी नमस्ते हाँ जी दादाजी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैंने कहा बच्चों को गांव घुमाता हूँ थोड़ा सा ना संजू चाचा संजू ये संजू कौन के पास जाना भाई हमदा ये पूरा मैं भी तो बड़े साल का रहा ठीक था अच्छा बच्चा ठीक है हां घूमो पकड़ लिया आराम से हैकलो में चोट लग जाएगी आराम से पकड़ ला गिराना मत गिराना मत नीचे लग जाएगी तू आराम से ये ले अबे शिवम शिवम आराम मुझे लगाना देखो गाइस मैं पकड़ता हूँ आप पकड़ो गाइस अभी तक ये शूटिंग कर रहे थे कुछ नहीं कर रही है अरे इसको तो देखा ही नहीं कितनी क्यूट लग रही ओ दोस्तों ये देखो ये देखो ये देखो ये अब ये दोनों अलर्ट हो गई हैं गाय ये एक्चुअली ये बाछी है ये मम ये बच्ची है और ये उनकी मदर है तो अभी इनको टेंशन हो गई जब ये बच्चे बाछी के पास गए डर रही है बहुत ज्यादा ना दोस्तों ये डर रही है ये चिमका रिद्धि की तरह डर रही है ये चिमका इसको चिमका बोलते हैं रिद्धि के हाथ में तो चिमका को आराम से रिद्धि यहाँ पे बैठ एक काम कर यहाँ पे बैठ यहाँ पे बेड पे ज्यादा मजा मत रख यहाँ पे बैठ ऐसे आराम से इसको गोदी में ऐसे बिठा ले ऐसे ऐसे गोदी में बिठा ले आराम से आराम से गोदी में बिठा ले प्यार कर एक हाथ से प्यार कर उसको एक हाथ से वेरी गुड डर क्यों नहीं पकड़ी इनसे बहुत अच्छी खुशबू आती है और ये ऐसे खुदक खुदक के भागती हैं ये आपके दादाजी हैं ये इनके दादाजी हैं अच्छा 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 थोड़ा सा हाँ वो ये है उनका मतलब हाँ जी हाँ जी कितने प्यारे कितने सॉफ्ट लग रहे हैं वो देखो दूसरा तो वहाँ बचने के जैसे चले गया काम गया वो रहा दूसरी तरफ नहीं ऐसे ऐसे पकड़ना जैसे उनके दांत जैसे उसको कुकी को कैसे पकड़ती है तू हाँ तो जैसे कुकी को पकड़ती है वैसे पकड़ नहीं नहीं लगते नाखून ये देख पुच्ची करा दे हाँ इधर ऐसे ऐसे पकड़ वाला हाथ से यहाँ सीधा कर बस ऐसे ये हाथ नीचे रख नहीं काटेगी बाबू यहाँ से ऐसे बस ऐसे ऐसे बोल अब पुच्ची कर दे उसको पुच्ची कर दे पुच्ची कर मैंने करी अच्छे मैं करूँ अब दोस्तों अब इसको अब हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये परेशान हो रही है डिस्टर्ब हो रही है हमसे ये पकड़ना है ये पकड़ना है
पकड़ ठीक से पकड़ उंगली काट देगी सॉफ्ट है अच्छा लग रहा है ना सॉफ्ट है बहुत तो क्या मुझे नहीं लगता है वो अपनी मम्मी के पास जा रही है ना चल आ जाओ जल्दी आओ सारे ऊपर चलेंगे हाँ जी दादा जी जो ये गांव की बना रहा ना हाँ जी हाँ जी हाँ जी इसकी काफी वैल्यू बन जाएगी हाँ जी हाँ जी दादा जी इनका मन ही नहीं कर रहा छोड़ के आने का चलो भाई चलो यहाँ से हाँ जी हाँ जी हाँ जी यहाँ पे आके मतलब गोबर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है ना उससे मैं तो बच्चों को भी वही सुना रहा हो गया तुम्हारा ओए हाँ। चले अब हाँ। नमस्ते दादी खूब छे दादी अंकित अंकित चौबे हाँ हाँ दादी आप ठीक हो हाँ ठीक हूँ मम्मी ठीक है हाँ जी दादी हाँ छोटू क्या नाम है आपका नैतिक नैतिक अरे वाह दादी नमस्ते खूब छे दादी अंकित चौबी हाँ पहचाने हाय बच्चों कैसे हो अरे डर क्यों रहे हो क्या हुआ ये बच्चे अपना नाम ही नहीं बता रहे क्या नाम है बच्चों आपका क्या नाम है बच्चे गौरी और आपका क्या नाम है रितिका आपका आदा क्या राजा राधिका राधिका उसका नाम तो नैतिक है उसने बता दिया है ना आपका क्या नाम है बच्चों अनुज अनुज अरे वेरी गुड अनुराग आपका वेरी नाइस आपका क्या नाम है मानसी दोस्तों अब हम यहाँ पे आया हूँ मैं अपने गांव में यहाँ पे हम ये बाछी वाछी देखने के लिए तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सारा ये देखो ये बकरियाँ वकरियाँ यहाँ पे आ गई नमस्ते दादी नमस्ते दादी नमस्ते दादी तो खूब छे अंकित चौमी खूब छे सेंकी सेंकी नहीं आए ना वो बैंगलोर छे अच्छा है वो और मैं इनको घुमा रहे दिखा रहे ठीक है नहीं दिखा रहे भाई अरे ये आखिरी तो है इधर तुम छोटी दे तुम भी नहीं आते दाब दाब रहे ना हां जी दादी यहाँ पे अच्छे खेत सारे रखे इधर ना हाँ जी दादी कैसे होना त्या मैं ठीक हूँ चलना वो मार दी है पीठ पीछे तो ओए वो गुस्सा कर रही है काली वाली गाय अलर्ट हो गई उसके पास मत जाना बस उससे बड़ी तो ये है चले फर्क नहीं पड़ता चलो चलो भाई चलो हाँ ये कान में क्लिप्स लगा रखी है ना नंबर के लिए आइडेंटिटी के लिए ये जो नंबर क्लिप्स है इनकी आइडेंटिटी प्रूफ होती है ना गाय की किसी दिन इस बकरे को खरीद कर जाऊंगी हाँ वेरी गुड क्या करेगी फिर इसके बाद चल तुझे बैठाते हैं पिलाऊंगी पिलाऊंगी मस्त रखूंगी वेरी गुड चलो चाचा ठीक दादी हाँ फिर ऑल हाँ जी हाँ जी दादी यहाँ पे एक घर में ना हिरन भी था दादी के पास हिरन देखना है किसी ने हाँ देखना है हाँ देखना मुझे अब नहीं रहा वो हिरन मोर गया दादी अच्छा हाँ 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 अच्छा 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 तो दोस्तों वो जो हिरन था वो तो मर चुका है बेचारा वो हिरन पाला था एक दादी ने ऊपर गांव में रहती है तो वो हिरन की कहानी ये थी कि वो घास काटने के लिए गई थी तो पेड़ के नीचे हिरन का बच्चा मिला उसकी माँ को बागवा खा गया था तो फिर उस बच्चे को दादी घर ले आई थी और बच्चे अभी यहीं पे बैठे खेल नहीं रहे तुम लोग अभी खेलेंगे क्या हाँ चलो और यहाँ पे नलका है कभी कभी पानी आता है तो दोस्तों ये है मेरा गाँव जो कि बहुत ही प्यारा है बहुत ही ब्यूटीफुल है और यहाँ पे भी एक घर है नमस्ते दादी नमस्ते दादी
ना दादी अंकित स्वामी अंकित। हाँ जी दादी। हाँ जी हाँ जी दादी। हाँ हाँ दादी संजू चाचा। चल ठीक दादी। हाँ दोस्तों ये था वो दादी का घर जहाँ पे हिरन था। इस घर में हिरन पालती थी दादी। क्या ओए शिवम माओ रुक जाओ। ये कहाँ भाग गए माही। चारों भाई भालू आते हैं। ओए ज्यादा आगे मत जाना रुको। दोस्तों रिद्धि भाग के आ रही है। ये दोस्तों अब हम अपने गांव के सबसे टॉप पे आ गए हैं। ये हमारा गांव का टॉप है और अब यहाँ पे जो हवा चल रही है ठंडी ठंडी और यहाँ पे देखो पहाड़ देखो सामने व्यू देखो। दोस्तों ये बाड़ लगा रखी है ताकि यहाँ पे ना जंगली जानवर आके जैसे वो ना खेत वेत खराब ना कर दे खावा ना जाए फसलें। ये दोस्तों ये हमारे गांव का रास्ता है। अरे देखो रंग अंकित भी रंगे बिरंगे वो। हाँ ये वाले फूल दोस्तों ये वाले फूल बहुत होते हैं गांव में। और जब फुलारी होती है ना फुलारी का वो फूल डे का वो होता है फेस्टिवल होता है उस टाइम पे सबके दरवाजों में यही फूल डालते हैं ना चाचा फूल डे में यही डालते हैं ना। क्रेडिट टू गो तनिष्क। हाँ इसका क्रेडिट जाता है तनिष्क को। तनिष्क ने फूल दिखाया हमें और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी होती है। और इसका ना एक गाना भी बना है फूल दे के ऊपर ना हमारे उत्तराखंड का वैसा कुछ है फुलारी फूल दो सौदा सौदा फूल भी रौला। ये मैं दिखा मैं बहुत बुरा गा रहा हूँ आई एम सॉरी। हाँ मतलब बट ये बहुत ही प्यारा गाना है और इसकी देखो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है फूल की। एक फूल में से ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे ये निकलते हैं। अरे बस होंगे थोड़ी बहुत सारे ऐसे निकलते हैं एक फूल में से ना है कि नहीं। और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आओ भाई चलो अब इसके आगे ऊपर नहीं जा सकते आगे भालू वालू बाकी सारे बाघ भालू सब ऊपर उस साइड ही रहते हैं। चलो There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well.